हेलो, वेलकम यू ऑल। आज 17 जून और आप सभी के लिए हम फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनी शेयर के बारे में। तो फार्मा सेक्टर से एक बेहतरीन शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो पिछले कुछ टाइम से आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट में इसमें धमाल मचा के रखा है। तो उससे पहले मैं इसके नाम डिस्क्लोज करूँगा और इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी तेज़ी ही आपको दिखा देता हूँ। पिछले एक साल में इसने आउट परफॉर्म किया है। जहाँ सेंसेक्स 14% करेक्ट हुआ है, वहाँ इस शेयर में लगभग 45% की हमारे को तेज़ी देखने को मिली है। और शेयर का नाम है नेक्टेयर लाइफ साइंस LTD। वहीं अगर एक साल में इसने इतना परफॉर्म किया है तो हम हाफ ईयर का देखते हैं। हाफ ईयर में तो भैया 88% के रिटर्न दिए, जहाँ सेंसेक्स 18% करेक्ट हुआ है। और वहीं अगर बात करें पिछले एक मंथ की, एक मंथ में 66% के रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं अगर हम देखें एक वीक में तो 33% के रिटर्न्स दिए। तो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। जब से फार्मा सेक्टर पे सबकी नज़र पड़ी है और फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म किया जा रहा है, वहीं ये पेनी शेयर भी लगातार भागता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देखें, अभी मार्च 2020 के नहीं है, पर अगर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, पिछले टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखें, तो नेट सेल्स इंक्रीज नज़र होते आए क्वार्टर टू क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारे को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया लगभग 17%। और वहीं अगर हम बात करें कंसोलिडेट प्रॉफिट्स की, तो वो भी उसमें भी जंप दिखता हुआ नज़र आया है लगभग 235% का। तो लगातार अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की वजह से ये पेनी शेयर कहीं ना कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं पिछले 6 महीने में बात करें, चाहे 1 महीने में बात करें। पर अगर वहीं दिसंबर टू दिसंबर में देखें तो नेट सेल्स भी डिक्लाइन हुई है और वहीं प्रॉफिट्स भी लगभग हमारे को थोड़े बहुत डिक्लाइंस हमारे को देखने को मिले हैं। पर सही बात यह है कि टाइम आने से पहले, जब फार्मा सेक्टर का अच्छा टाइम आ रहा था, तो उससे पहले ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आया पिछले 2 क्वार्टर्स में। इसी की वजह से इसमें जो ये तेज़ी है कहीं ना कहीं रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डर प्रमोटर उसके पास मेजर होल्डिंग्स है 55.58, वहीं कहीं कोई प्लेस्ड होल्डिंग नहीं है, जो अच्छी बात है। FIs भी है 2.90% से कोई चेंज नहीं किया होल्डिंग में। अदर DIs है मात्र 0.03% की होल्डिंग्स कमी है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल हमारे जैसे इन्वेस्टर्स भी है इसमें, जो लगभग 0.03% की तरफ से होल्डिंग बढ़ाते हुए इस शेयर में नज़र आए। तो मेन बात यह है कि FIs एंड DIs भी इस पेनी शेयर में कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। तो वन डे के हम चार्ट्स में आ चुके हैं। तो बात करें अगर इस साल की 2020 की, लगभग जब मार्केट गिर रहा था बुरी तरीके से कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से, तो मार्च 26 के आसपास इसने अपने लो बनाए थे 7.29 रुपये के आसपास। और उसके बाद इसमें कंसिस्टेंट हमारे को ग्रोथ देखने को मिली थी, जो फार्मा सेक्टर में रैली आई थी उसकी वजह से उसके बाद एक कंसोलिडेट होता हुआ दिखा अदर फार्मा शेयर्स की तरह। अब द्वार से इसने रैली पकड़ चुकी है और पहुंच चुका है 22.85 रुपये। तो कितने रिटर्न जिसने दे दिया, मतलब कि अगर आप बात करें मार्च में हम ये ले लिया होता शेयर, और मार्च लेकर अभी तक अपना 2 गुना पैसा हो जाता, जितना लगाया था उसका 3 टाइम्स हमारे हाथ में अभी पैसा होता। तो मैं चाहूँगा इस शेयर पे आप नज़र बना के रखें। अभी तो बहुत लग रहा है चार्ट्स को देख के कि काफ़ी ऊपर भाग गया है, क्योंकि आज इसमें हमारे को लगभग 20% की जंप देखने को मिली। 3.80 रुपये हमारे को इसमें पॉइंट्स गेन होते हुए दिखे। आज का हाई भी यही है, वहीं पे क्लोज हुआ। और बात देखिए तो वीक 52 हाई भी इसने आज ही बनाया है। तो वीक 55 में या दो चीज़ें होती है, या तो शेयर रिबाउंड होता है, या तो इतनी ज़्यादा तेज़ी रहती है कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको कल देखिए, कल ये कैसे परफॉर्म करता है, और उसी के हिसाब से इसमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस प्राइस पे लेना है। क्यों, ये उन पेनी शेयर्स में से एक है जिसने अपने लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म किया है, रिजल्ट्स भी अच्छे दे रहा है, पॉजिटिव साइड्स में रिजल्ट्स है। वहीं अब फार्मा सेक्टर में डिमांड भी जाता है और कहीं ना कहीं देता है। ये छोटे शेयर कहीं ना कहीं किस्मत बदलने वाले शेयर में से एक शेयर हो सकता है। वहीं आज हम डिलीवरीज इसमें देखें तो लगभग 20% की डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली, जहां शेयर वीक 52 हाई बनाता हुआ नज़र आया। तो मतलब इसमें फेयर डिलीवरीज तब भी हमारे को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो लगा हो इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँ, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।